हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ अंबाड़ी का चटनी। इन तेलुगु हम कहते हैं गोंगूर पचड़ी, विच इज़ वेरी फेवरेट टू ऑल तेलुगु पीपल। कोई नहीं रहता है जिसे ये अंबाड़ी का चटनी पसंद नहीं है इन तेलुगु पीपल। लाइक तो आज मैं आपको बना के दिखाऊंगी ये गोंगूर पचड़ी। तो आप भी एक बार ये ट्राई कीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा। वो लीफ खट्टा रहेगा एंड इट इज़ वेरी टेस्टी। इसके साथ चटनी भी बना सकते हैं और इवन पिकल भी बना सकते हैं। इसमें चटनी भी दो तरह का है, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल एक तरह का गोंगूर का चटनी बताने वाली हूँ। अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आया तो भूलिएगा नहीं, लाइक ज़रूर करना। और जिसने भी मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबाइए ताकि मेरा अपडेटेड नया वीडियो आप तक पहुँचे। अगर आपको मेरा रेसिपी पसंद आया और कुछ कमेंट करना है आपको मेरा रिगार्डिंग ऑन माय रेसिपी, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। जो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वो सेक्शन में आप कमेंट कीजिए। और चलिए अभी हम देखते हैं गोंगूर चटनी मतलब अंबाड़ी चटनी बनाने के लिए चीज़ें क्या चाहिए। चलिए देखिए, मैंने एक बंच वन बंच गोंगूर लिया है, दैट इज़ अंबाड़ी। और ये वन टीस्पून ज़ीरा, वन टीस्पून तिल, ये थोड़ा तीखा लेना है क्योंकि ये ज़्यादा मिर्ची लिया है मैंने, ग्रीन मिर्ची, क्योंकि ये बहुत खट्टा रहता है। खट्टा को थोड़ा ये करने के लिए हमें ग्रीन मिर्ची थोड़ा ज़्यादा लेना है। हरा मिर्ची मैंने 8 to 10 लिया है, एक अनियन और 10 to 12 गार्लिक क्लोव्स। ये हमें तड़का देने के लिए हाफ अ टीस्पून राई, हाफ अ टीस्पून ज़ीरा, 1/4 टीस्पून टर्मरिक हल्दी और 2 लहसुन जो मैंने क्रश करके लगाया है, और ये 2 लहसुन का क्लव्स है ये, उसको मैंने क्रश करके लगाया, और थोड़ा सा करी पत्ता और ये 2 पिंचेस ऑफ हींग और ड्राई रेड चिली भी आप ये तड़का में डाल सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास फ़िलहाल ड्राई रेड चिली नहीं है, तो लेकिन आप ज़रूर डालिएगा ड्राई रेड चिली तड़का में। और सॉल्ट जितना आपको चाहिए, आपके स्वाद के अनुसार सॉल्ट। एक कढ़ाई लिया है, उसमें मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है। ऑयल गर्म हो चुका है, मैं अभी ये 1 टीस्पून ज़ीरा डाल रही हूँ। इसके बाद ये ग्रीन चिलीज मैं एक में दो किया है ताकि ये बस ना हो। आप ऐसे ही ग्रीन चिली ऑयल में डालने से बर्स्ट हो सकता है, तो आप ग्रीन चिली को स्लिट करके डालिए या नहीं तो कट करके डाल सकते हैं। तो देखिए, मैंने 1-2 मिनट फ्राई कर किया है ये ज़ीरा और ग्रीन मिर्ची को, हरा मिर्ची को। अभी ये मैंने ये डायरेक्टली मिक्सर जार में ले रही हूँ। ग्रीन हरा मिर्ची और ज़ीरा को फ्राई करके मिक्सर जार में निकाल दिया है, और इसी ऑयल में मैं ये अंबाड़ी को डालने वाली हूँ। इसी ऑयल में पकना है इसे। सारा पानी निकलने तक पकना है इसे। अभी आप देख सकते हैं कि ये अंबाड़ी इतना है, अभी बनने के बाद बहुत कम हो जाएगा। देखिए
कैसा कम होते जा रहा है। ये अंबाड़ी को आप अच्छा सा 3-4 बार क्लीन करके वॉश करके और एक 10-15 मिनट पानी में लगाने से अच्छा है, लगा के फिर आप वॉश कर सकते। देन आप ड्रेन करना है पानी को, ऐसा नहीं कि पानी पूरा ड्राई होना है, पानी पूरा ड्राई होने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप पिकल बना रहे हो, अचार बना रहे हो, तो आपको ये ज़रूरी है पानी पूरा पत्ते से निकलना चाहिए। अभी ये चटनी के लिए ऐसा नहीं कि पूरा पानी ड्राई आउट होना है, जस्ट आप अच्छा सा पानी पूरा ड्रेन आउट किया तो ठीक है। देखिए अभी ये कम हो गया है, अब मैं इसे ढक्कन लगा देती हूँ, पूरा पानी इवोपरेट होना चाहिए। मे बी टेक्स अभी और 10 मिनट में पानी पूरा इवोपरेट हो जाएगा। देखिए 10 मिनट हो चुका है, पानी पूरा इवोपरेट हो गया है, पानी पूरा निकल चुका है। अभी मैं स्टोव बंद कर दे रही हूँ, फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। देखिए अभी ये ठंडा होने के बाद मिक्सर जार में डाल के ब्लेंड करना है। उससे पहले देखिए ये मिक्सर जार में ज़ीरा है, हरा मिर्ची है। अभी इसमें मैं 1 टीस्पून का तिल ऐड कर रही हूँ और उसी में क्लोव्स 10-12 लहसुन क्लोव्स ऐड कर रही हूँ। अभी पहले इसे मैं ब्लेंड करूँगी, फिर बाद में इसी में अंबाड़ी डाल के ब्लेंड करूँगी। इसी में सॉल्ट भी डाल दीजिए आप, नमक स्वाद अनुसार आप इसमें डाल दीजिए। देखिए मैंने अंबाड़ी को ब्लेंड कर दिया है। अभी ये जो अनियन है, अनियन को मैं कट करूँगी क्योंकि मैं ये ब्लेंडर में डाल रही हूँ। इससे आपका ये चटनी जो है बहुत टेस्टी रहेगा। अभी क्या करना है, इसे पूरा राउंड घुमा के ब्लेंड नहीं करना है। देखिए मैं दिखाती हूँ इसे, ये अनियन डालने के बाद क्या करना है। इसे फिट किया इस पे अभी ना, ये नॉर्मली हम ऐसा घुमाते हैं अगर पेस्ट होना है। अभी हमें ये अनियन जो है पेस्ट नहीं होना है, ऐसे ही थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा रहना है। तो मैं इसे उल्टा घुमा रही हूँ, ऐसा एक 2 बार कीजिए बस। तड़का देने से पहले मैं ये डिश आउट करूँगी चटनी को। मैं यही सेम पैन लिया है, इसी में मैं तड़का लगा रही हूँ। अभी ऑलरेडी मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है, उसी में हमने सब इसको फ्राई किया है। अभी और 1 टेबलस्पून ऑयल ले रही हूँ, राई 1/2 टीस्पून राई, 1/2 टीस्पून ज़ीरा और गैस। मैं ये भूल चुकी हूँ बोलने के लिए, और 1 टीस्पून उड़द दाल भी लेना है तड़का में। और मैंने पहले भी बोल चुकी हूँ, अगर आपके पास ड्राई रेड चिली है वो भी डाल सकते हैं, फ़िलहाल मेरे पास अभी नहीं है। तो इसके बाद ये लहसुन, जस्ट 1-2 क्लव्स लिया है लहसुन, 2 को मैं ऐसा क्रश किया है मैंने।
अभी इसे भी डाल रही हूँ। हल्दी 1/4 टीस्पून हल्दी, फिर अभी मैं ये हिंग, 2 पिंच का हिंग, 2 पिंच हिंग डालना है। फ्लेम को बंद करके ये करी लीव्स, करी पत्ता डाल दीजिए को मैं इसमें डाल रही हूँ। अभी अंबाड़ी चटनी रेडी टू सर्व बन चुका है। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है अंबाड़ी का चटनी। राइस के साथ, चपाती के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं आप। मुझे राइस के साथ बहुत अच्छा लगता है। और इफ़ यू लाइक माई रेसिपी प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव लाइक बटन। एंड जिसने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई कमेंट्स है एंड इवन आप ज़रूर बनाना एक बार बनाने के बाद आपको पता चलेगा कितना टेस्टी है। और बनाने के बाद आप मुझे कमेंट भी कर कीजिए कि आपका अंबाड़ी चटनी कैसा बना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।